बचपन से ही सुनते आ रहे हैं हम लोग कि पृथ्वी गोल है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इस ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ग्रह और उपग्रह हैं वो सब सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये सारी बातें हमने बचपन में ही पढ़ी हुई हैं, किताबों में हमने देखा लिखा हुआ है और सुना है, हमारे जो गुरुजन हैं उनसे हमने सुना है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और गोल गोल घूमती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन भी करती है, ऐसे करके घूमती है। तो इन सारे तथ्यों से एक बचपन से दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, सबके आता है, अगर पृथ्वी घूम रही तो हम क्यों नहीं घूम रहे, हम तो एक जगह स्थिर। मैं अभी यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ, मैं तो घूम के कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। ऐसा निश्चित ही ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले भी कभी आया होगा बचपन में कि हम तो जहाँ पर हम तो वहीं पर हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही। जैसे हमें पता है ये सूर्य है आपका इस ढंग से, ठीक है, ये सूर्य है और पृथ्वी आपके पास, ये पृथ्वी है इस तरह से, ये पृथ्वी मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो हमें पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ इस ढंग से चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है, ठीक है, ये तो आपको पता है, आपने ये पढ़ा है बचपन में, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, पृथ्वी तो ऐसे घूम के ऐसे चक्कर लगाती है, लेकिन साथ ही साथ कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये उसका अक्ष है, ये अपने अक्ष पर भी इस ढंग से घूमती है, मतलब ऐसे ऐसे राउंड करते हुए इस तरह से ये पूरा क्या कर राउंड मारती है सूर्य के, मीन्स अपने अक्ष पर यूं घूमते हुए वो सारे इस तरह से क्या आते हैं, चक्कर मारते हैं सूर्य के चारों तरफ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूम रही है तो हम क्यों नहीं घूम रहे, हम तो अपनी जगह पे स्थित है ना, हम तो खड़े हैं जगह, मैं भी आपके यहाँ पर खड़े खड़े पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहीं पर हूँ, मैं क्यों कहीं नहीं पहुँच रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी तो घूम के कहीं ना कहीं, देखो पृथ्वी घूम के तो यहाँ पहुँच रही है तो हम क्यों नहीं पहुँच रहे, या पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो हम क्यों नहीं, हम ऐसे हिल क्यों नहीं रही है। तो ये सारी बातें इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आए होंगे। तो इन्हीं दो इसी तरह के क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और मोर ओवर 11th और 10th 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि जिनको शायद इस क्वेश्चंस का इन क्वेश्चंस के आंसर पता ना हो। तो चलिए आज इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता दूं और इनके आंसर के बारे में बता दूं। पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले दिमाग में एक चीज़ ये बैठानी पड़ेगी कि हाँ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और पृथ्वी अपने धुरी पर, यानी कि अपने जो उसका अक्ष है उस पर भी क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। ये तो परिक्रमण होता है सूर्य के चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण है, ठीक है, और जो अपनी स्थिति पर घूमना वो उसका घूर्णन है। तो ये दो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। अब इस आंसर को कि क्या पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूमते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं आपको दो एग्जाम्पल्स दूंगा। दो एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वाकई में हम पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं या नहीं है, या खाली पृथ्वी घूम रही है हम नहीं घूम रहे। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला जो मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, आपको पता है कि जब भी आप किसी गाड़ी में बैठते हो, बस में, कार में, कहीं पर भी आप बैठते हो, बस है, कार है, या रेलगाड़ी, कुछ भी हो आपके पास, जिसमें भी आपने कभी सफ़र किया हो, तो आपने कभी महसूस की देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी गाड़ी, रेलगाड़ी, कार वगैरह जब यूं गति करती है तो आप खिड़की में बैठे हो तो बाहर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या, अगर गाड़ी अगर इधर को जा रही है तो पेड़ पौधे पीछे को जाते हैं, ये तो निश्चित आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो इसका इससे आपको दिखता है, आपको पता है, आप देख रहे हैं कि गाड़ी आपकी गतिमान है और जबकि सामने वाला जो पेड़ है, यानी खिड़की के बाहर जो पेड़ है वो अपनी जगह पे स्थिर है। लेकिन क्या होता है कि गाड़ी अगर आगे आगे बढ़ रही है, अगर आपकी कार इधर को बढ़ रही है, ये आपकी कार है, ठीक है, तो जो पेड़ यहाँ पर जो खड़ा पेड़ होगा इस तरह से, वो आपको इधर ना जाता हुआ नजर आएगा, आप इधर को जाएंगे तो पेड़ आपको इधर हुआ जा इधर इधर को पीछे आता हुआ नजर आएगा, अक्सर आता ही आपको पता है। लेकिन आपको पेड़ जो है पीछे जाता हुआ नजर आएगा, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि पेड़ गति कर रहा है, पेड़ गति नहीं कर रहा, गति कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, कार के साथ साथ आप गति करो, यानी कि पेड़ तो अपनी जगह पर स्थिर है, आप यहां से यहां पहुंच गए हो, आप पहले यहां थे, ठीक है, पेड़ तो अपनी जगह पर था लेकिन आप गति कर तो यहां पहुंच गए हो, लेकिन पेड़ तो अभी भी अपनी जगह पर है जहां पर जहां, लेकिन आप यहां से यहां पहुंच गए, यानी कि गति आप कर रहे हो ना कि पेड़ कर रहा है, ठीक, ये क्लियर, ये तो आपको बात क्लियर होनी चाहिए, यानी कि पेड़ स्थिर है और आप गति कर रहे हो, ठीक
ठीक है, नंबर वन एग्जाम्पल। नंबर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक राउंड टेबल है, राउंड टेबल, राउंड टेबल एक ऐसा है जो घूमता है, राउंड टेबल आपने अक्सर देखा हो, इस तरह से गोल कोई एक टेबल है जो कि अपने अपने जगह पर क्या घूमता है, गोल गोल इस तरह से गोल गोल घूमता है। फर्ज कीजिए कि आप उस टेबल में खड़े हो और आपके साथ साथ आपका एक दोस्त भी उस टेबल के साथ में खड़ा है और वो टेबल घूम रही है, तो आपको पता है कि आप भी उस टेबल के साथ साथ गोल घूमना शुरू कर दोगे। थोड़ा गौर कीजिए कि जब आप उस टेबल में घूम रहे हो और आप अपने दोस्त को सामने जो आपके साथ बैठा हुआ है, क्या आपको दिखता है कि वो भी घूम रहा है? बिल्कुल नहीं, आपको नहीं दिखता कि वो घूम रहा है, क्योंकि घूम तो टेबल रहा है लेकिन घूम आप भी रहे हो, लेकिन आपस में आप एक दूसरे को देख रहे हो, तो आपस में एक दूसरे को देखने पर आपको पता चला कि आप दोनों एक ही जगह पर स्थिर हो, आप उसको देख रहे हो, अब वो आपको देख रहा है, आयो घूमते इस तरह से आओगे तब भी आप एक दूसरे को देख रहे हो, ऐसे नहीं कि आप कहीं और पहुंच गया दोस्त कहीं और पहुंच गया, आप दोनों एक जगह बैठे हुए तो आप दोनों एक दूसरे को तो कहने के कि दोनों का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, सापेक्षिक गति होती है, दोनों को सापेक्षित गति का जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है, यानी कि नहीं आपके दोस्त को आप गति करते दिखाई देते हो और नहीं आपको आपका दोस्त गति करते हुए दिखाई देता है, लेकिन सच बात है कि दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, आपका दोस्त आपको देख रहा है और आप अपने दोस्त को देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि आपका दोस्त भी वहीं पर बैठा हुआ है और आपको दोस्त को दिख रहा है कि आप भी वहीं बैठे हो, दोनों गति नहीं कर रहे। अब एक इसमें एक और चीज़ ऐड कर दीजिए, आप दोनों बैठे हो उस टेबल में या खड़े हो जो भी है, और उस टेबल के बाहर जमीन में एक आपका तीसरा दोस्त खड़ा हुआ है, तो आप देखोगे जब टेबल घूम रहा होता है तो वो दोस्त क्या, अगर आपका टेबल अगर ऐसे घूम रहा है तो आपका दोस्त कभी इस ढंग से घूमता आपको नजर आएगा, वो दोस्त घूमता नजर आएगा आपको, आप न खुद को घूमते मतलब देखोगे और नहीं अपने इस दोस्त को जो आपके साथ टेबल खड़ा है, दोनों आपको लगेगा कि हम दोनों स्थिर हैं लेकिन वो घूम रहा है, वो ऐसे घूम रहा है, बाहर वाला जो दोस्त जमीन में खड़ा है वो आपको ऐसे घूमते हुए नजर आ रहा है, यानी कि जब आपको दोस्त यहाँ पर खड़ा था और आप ऐसे घूमे यूं करके, तो आप देखें कि आप तो यहाँ पहुँच गए लेकिन दोस्त आपका वहीं पर रह गया, लेकिन आपको ऐसे लगे कि आपको दोस्त यहाँ पीछे को जा रहा है, फिर आप घूम के आओगे तो जैसे आप घूम के आओगे यूं करके तो आपका दोस्त आपका गति करता नजर आएगा और फिर घूम के आप फिर अपने दोस्त के सामने आओगे, दोस्त आप फिर वहीं पर दिखाई देगा, फिर जैसे आप गति करोगे फिर दोस्त आपका पीछे जाता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मीनिंग है कि आपको इस स्थिति में भी ये लगेगा कि आप स्थिर हो लेकिन दोस्त आपका गति कर रहा है, जबकि जस इसका उल्टा है, स्थिर कौन है, स्थिर आपका दोस्त है और गति कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, यानी कि आप यहां से यहां पहुंचे तभी आपको दोस्त यहां से वहां दिखाई दिया, आप यहां से यहां पहुंचे तभी आपका दोस्त आपको वहां दिखाई दिया, फिर आप यहां पहुंच गए तो आपका दोस्त वहां दिखाई दे रहा, तो आपको यूं लगता है कि आपका दोस्त पहले यहां पर था अब वहां पहुंच गया, आपको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है, आपका दोस्त इस तरह आप गति कर रहे हो, आप पहुंच रहे हो जगह जगह। तो इसका मीनिंग है कि आपको जो कंफ्यूजन था कि टेबल हम दोनों बैठे हुए हैं, हम दोनों खड़े हैं, तो हम दोनों दोस्त नहीं घूम रहे हैं, घूम हम रहे हैं लेकिन हमको उसका महसूस नहीं हो रहा कि हमको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा कि हम घूम रहे हैं, भले वो एक चक्कर आएगा हम घूमते हुए एक अलग चीज़, हम उसकी बात नहीं कर, हम फिजिक्स की लैंग्वेज बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में टेबल के साथ हम भी घूम रहे हैं, तो हमें महसूस होता है, हमको तब महसूस होता है जब हमको हमारा दोस्त यहाँ से वहाँ दिखाई देता है, तब हमको लगता है कि वाकई में हम लोग इसमें घूम रहे हैं, लेकिन जबकि आपका दोस्त क्या स्थिर है। ठीक यही दो एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिए हैं, इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को मैं आपको पृथ्वी और सूरज के उस पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए कैसे, आप जब सुबह उठते हो, आपको सुबह 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे आप सूरज आपको आसमान में दिखाई देता है तो आप वो ईस्ट हम पूरा बोलते हैं कि पूरा में दिखाई दिया, लेकिन आप थोड़ा एग्जाम मतलब ये सोचिए कि आप खड़े हो, आप सूरज को देख रहे हो, आपको देख रहे हो कि सूरज धीरे 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 ऐसे कर चढ़ते हुए शाम को यहाँ पश्चिम में ढल जाता है, कैसे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सूरज आज जो है यहाँ पहुँच गया, अच्छा अभी यहाँ पर पहुँच गया, नहीं, सूरज कहीं नहीं पहुँचा, पहुंच आप रहे हो, सूरज कहीं नहीं पहुंचता, सूरज अपनी जगह पर स्थिर है, एक्चुअली पृथ्वी पहुंच रही है तो पृथ्वी के साथ साथ हम भी पहुंच रहे हैं, हमको उस गति का एहसास नहीं होता, उस घूर्णन गति का हमको एहसास बिल्कुल नहीं होता जो पृथ्वी घूम रही है, एहसास क्यों नहीं होता, क्योंकि एक तो बहुत कम उसकी गति है, आप देखिए ना सूरज को, आप ध्यान से देखिए, सूरज आपको एकदम से ऐसा नजर नहीं आता जाते हुए, आपको सूरज कैसा नजर आता है, धीरे धीरे ऐसे हल्का, मतलब उसकी गति का एहसास आप भी नहीं कर सकते, धीरे धीरे आपको ऐसा नजर आएगा सूरज, ठीक है, सुबह आपको 8 बजे यहाँ नजर आया, धीरे धीरे करके आप 12 बजे आपको ठीक ऊपर नजर आएगा, फिर धीरे धीरे करके शाम को 3-4 बजे आपको यहाँ नजर आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में 5 या 6 बजे के आसपास आपको पहाड़ के पीछे या समुद्र के नीचे आपको जाता नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में सूरज कहीं नहीं जाता, सूरज अपनी ही जगह पर है, जाते हम लोग हैं, हमारी आँखें जा रही हैं जगह जगह, हम एक्चुअल में सूरज हमको सुबह पहले वहाँ दिखाई दिया,
आप थोड़ा फर्ज करो ना, सूर्य आपके ऊपर से ऐसे जा रहा है, यूं करके जा रहा है, तो इसका मतलब कि आप ऐसे गति कर रहे हो। समझ में आया? सूरज ऐसे जा रहा, कभी नहीं कि आप ऐसे गति कर रहे हो। क्यों? सेम वही जो मैंने आपको टेबल वाला एग्जाम्पल समझाया कि आप यहाँ पहुंचे तो दोस्त आपका वहां, यानी कि दोस्त आपका इधर जा रहा है, तो यानी कि आप इधर गति कर रहे हो। तो वही चीज है कि सूरज अगर आपको अभी यहाँ दिखाई दे रहा है और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाता रहा है, ऐसे 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 के आ रहा है, ऐसे के आ रहा है, तो यानी कि अगर सूरज ऐसे आ रहा है तो आप ऐसे गति कर रहे हो यूं करके। तो इसका मतलब अभी अभी सूरज वहां था तो आप यहां पर थे, अब सूरज अब शाम को यहां पहुंच गया तो आप जो किसी दूसरे छोर पर पहुंच गए हो। हमको लगता नहीं, क्योंकि हम तो अपनी जगह पर हैं, हम तो पृथ्वी के अंदर हैं, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो अंतरिक्ष से देखने में हमको पता चला कि हम जो है अभी अंतरिक्ष के अभी एक इस हिस्से में थे, लेकिन घूम करके हम जो है अभी इस हिस्से में आ चुके हैं। इसलिए तो हमको दिन और रात का फर्क पड़ता है। क्यों, क्या होता है? क्योंकि सब सुबह थी तो हम बिल्कुल सूर्य के सामने थे, हम मतलब इस तरह से था, देखिए ये सूरज था आपका, ये सूर्य था आपका, और अब ये आपकी पृथ्वी थी, आप यहाँ पर बैठे हुए थे। आपको ये, क्योंकि अभी सूरज आपके ठीक आपके सामने, अभी आपको मॉर्निंग दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इधर गति करोगे, यहाँ देखो जैसे आप इधर को गति कर रहे हैं ना, ये आप ये मतलब पृथ्वी मान लीजिए कि इधर को घूम रही है, इधर को घूम रही है, तो क्योंकि ये इधर घूम रहा, तो सूरज आपको ऐसे जाता नजर आएगा, तो आप जैसे जैसे घूमोगे वैसे सूर्य ऐसे आता रही हूँ। लेकिन जब सूरज जो है धीरे 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 यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में पहुँच जाएगा, आप उसमें यहाँ पर होंगे, आप यहाँ पर ही रहेंगे उसमें, ये वाला हिस्सा घूम करके यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये पूरा अंतरिक्ष है। तो पहले आप सुबह के टाइम पर अंतरिक्ष के इस हिस्से में खड़े थे, लेकिन अब क्योंकि सूरज ढल चुका है, सूरज ठीक आपके ठीक पीछे पृथ्वी के पीछे आ चुका है, तो अब आप अंतरिक्ष के इस हिस्से में न होकर के आप इस हिस्से में हो यहाँ पर, तो इसलिए अब सूरज का प्रकाश आप तक नहीं पहुँचेगा, तो आपको अब क्या लगेगा, अंधेरा, यानी कि डार्क, अंधेरा यानी कि शाम हो जाएगी, ये आपको अंधेरा नजर आएगा, यानी कि आप यहाँ पर हो तो आपको अब रात हो जाएगी, इसलिए सूरज आप। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे आप ऐसे जाओगे कि सूरज देखो ऐसा होगा, तो ऐसे सूरज ऐसे आपको नजर आता है, लेकिन नहीं, सूरज तो अपनी जगह पे घूम ही रहा है ऐसे करके। फिर धीरे धीरे घूम के हम जब यहाँ पहुँचेंगे तो सूरज फिर अपनी जगह हमको दिखाई देगा, यानी कि सुबह फिर 8 बजे हमको सूरज वहीं दिखाई देता है अपनी जगह पर। एक्चुअली सूरज नहीं घूमा, घूमे हम लोग, हम जो है पूरा जो भी हमने एक परिक्रमण किया, अपनी दूरी पर परिभ्रमण किया, वो सारे घूमते, फिर हमको हमको सुबह 8 बजे हमको सूरज वहीं पर दिखाई दिया, सूरज अपनी जगह पर। एक्चुअली हम लोग घूम के आ गए हैं, 24 घंटे में हम तो घूमते ही हैं, पृथ्वी घूम रही, यानी कि हम भी घूम रहे पृथ्वी के साथ अंतरिक्ष के। हर दिन 24 घंटे में हम एक चक्कर पृथ्वी के साथ हम भी मारते हैं अंतरिक्ष का। हम लोग अंतरिक्ष के सुबह के टाइम अंतरिक्ष हम इस हिस्से में थे और घूम करके अब फिर हम इस तरह से आए, और फिर 24 घंटे में पुनः हम यहाँ यहीं पर पहुँच गए, तो सूरज हमको वहीं पर दिखाई दिया सुबह 8। इसलिए तो आपको देखते जब भी सूरज सुबह होती है, सूरज आपको अपनी जगह पर दिखाई, सुबह 8 बजे वहीं से निकलता है, आपको वहीं पर दिखता है। समझ में आ गया ना? तो ये था कि इससे सिद्ध होता है यहाँ कि वाकई में पृथ्वी के साथ साथ हम भी घूमते हैं, हम ही घूमते हैं, सूरज नहीं घूमता है, हम ही लोग घूमते हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या होता है, सूरज एक बार सुबह दिखाई देता और फिर अंधेरा होकर फिर हमको दोबारा सुबह दिखाई देता, क्योंकि 24 घंटे हम लोग भी पृथ्वी के साथ अंतरिक्ष का एक पूरा चक्कर मार के पुनः सूरज के सामने आ जाते हैं, सूरज अपनी जगह पर घूम हम रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी के साथ साथ क्या होते हैं, हम लोग भी घूमते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों के दिमाग में आज तक ये क्वेश्चन था कि हमें पता कैसे लगे पृथ्वी घूम रही है, दिख रहा है डेली हमको दिखाई देता है पृथ्वी घूम रही है, कि सूरज सुबह यहाँ से लेकर के ऐसे करके ऐसे करके यहाँ चले जाता है, तो जाता सूरज नहीं, जाते हम लोग हैं, सूरज अगर ऐसे जा रहा है तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, हम लोग चलते हैं तो चीज़ें पीछे चली जाती है, जैसे गाड़ी में पेड़ पीछे चले जाते हैं, टेबल में आप बैठो तो आपका दोस्त पीछे चले जाता है, तो उसी तरह हम घूमते तो सूरज पीछे चले जाता है, पीछे जाने का मीनिंग है कि डूब जाता है, और फिर हम जब घूम के उसी जगह पर आते हैं तो सूरज हमको फिर वहीं पर दिखाई देता है, यानी कि सुबह के टाइम पर। तो इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी के साथ साथ हम लोग भी घूमते हैं। तो जिन बच्चों को जिन फ्रेंड्स को इस चीज़ का डाउट था कि क्या पृथ्वी के साथ हम घूमते हैं, तो यस, उनका आंसर यह है कि पृथ्वी के साथ साथ हम लोग भी घूमते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी आपको ये अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचते रहे। आज के लिए इतना ही, जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।